भदरवा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सुबह से ही हो रही बारिश से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही बाला इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में तेज बारिश भी देखी जा रही है। साथ ही किश्तवाड़ के बाला इलाकों में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। वादी चिनाब में भी बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश की वजह से मौसम सर्द हो चुका है। मौसम के तेवर देखते हुए लोग गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। तो लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस बार मैं देखता हूँ कि पहली बार जो है इतनी सर्दी आ गई है, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ में है, पहाड़ में तो बर्फबारी गिर रही है और नीचे इतनी ठंड है कि हमने दराज लगाने शुरू कर दिए और बुखारी का इंतजाम भी कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि लकड़ी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो इतनी जल्दी सर्दी आ गई है कि हमारा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपने देखा, लोगों ने भी अपने रद्दअमल का इजहार किया। तो दर्जा हरारत में कमी यहां पर दर्ज की जा रही है। सर्दी से बचने के तरीके भी लोगों ने अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं और अब सर्दी के मौसम की शुरुआत वादी कश्मीर में हो चुकी है। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से दर्जा हरारत में काफी गिरावट आई है। तो दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी से भी लोग काफी मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर मौसम तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से लोगों को हालांकि थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर पानी मैदानी इलाकों में भर गया है। तो दूसरी तरफ पहाड़ी ऊपर के इलाकों पर लोग खास करके बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में मकामी लोगों को उम्मीद है कि सियाहत में भी यहां पर फरोग देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मौसम की बर्फबारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैयाह भी दूसरे इलाकों से, निचले इलाकों से खास करके वादी कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर वो स्नोफॉल देखने के लिए वादी कश्मीर पहुंचेंगे। तो भदरवा के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही बाला इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में तेज बारिश है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानी का भी सामना है। तो दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ ही उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वादी चिनाब में भी बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश की वजह से मौसम सर्द हो चुका है। मौसम के तेवर देखते हुए लोग गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर हो गए हैं। तो लोगों ने अपने गर्म कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम का मिजाज यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी की दस्तक वादी कश्मीर में हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश और आंधी भी देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं बारिश और बर्फबारी से लोगों को गर्मी से भी यहां राहत मिली है और सर्दी से बचने के तरीकों को भी लोगों ने अपनाना यहां पर शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भदरवा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई इलाकों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो वादी कश्मीर के ऊपरी इलाके जो हैं वो सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने ऐसे मौसम का खैर मकदम किया है। सैयाह यहां पर ऐसे में बड़ी तादाद में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और मकामी लोगों ने भी उम्मीद जाहिर की है कि बर्फबारी का मौसम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो टूरिस्ट हैं वो भी देखने को मिलेंगे।